हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था वर्कला ट्रैवल व्लॉग। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं तो ज़रूर से चेकआउट कीजिए, काफ़ी फन ट्रैवल व्लॉग है। तो वर्कला से ही 28 किलोमीटर दूर है ये जटायु अर्थ सेंटर जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं। मॉर्निंग का कुछ टाइम है, अराउंड 9:30 का कुछ टाइम है। हम लोगों ने ऑटो ये रेंट पे ले लिया है क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी। आप इजीली लोकल बस या फिर स्कूटी से भी आ सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं जटायु अर्थ सेंटर। इसको जटायु रॉक और जटायु नेचुरल पार्क भी बोलते हैं। ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है, 10 बजे से ये ओपन होता है और हम लोग 10 से पहले ही पहुंच गए थे। ज़्यादा भीड़ नहीं है, थोड़ी सी भीड़ है और यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है। तो सबसे पहले हमने अपनी टिकट बुक करी है। जो टिकट का जो प्राइस है वो 250 रुपीज़ था जो कि सिर्फ एंट्री फीस है। और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी वगैरह पूरा चेकिंग आपका होता है। बैग वगैरह जो भी होता है वो नीचे ही आपको रखना होता है। ये देखिए सिक्योरिटी के बाद अब हम लोग आए हैं यहाँ पे केबल कार के लिए। इसका जो टिकट है वो भी 250-260 रुपीज़ है। और उसके बाद में ये पूरा वेटिंग रूम बनाया हुआ है जब तक कि आपका केबल कार में नंबर नहीं आता। तो यहाँ मैं और दीवू बैठे हैं, पोज दे रहे हैं और बस अब हमारा नंबर आ गया और अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे केबल कार का ये ऑपरेट होता है। तो ये देखिए यहाँ हम लोग ऐसे लाइन में लग गए हैं, यहाँ पे अभी आएगी केबल कार। ये देखिए तो ये धीरे धीरे से मूव होती रहती है और ये मूविंग के अंदर ही आपको चढ़ते रहना होता है, बिल्कुल भी रुकती नहीं है। बस ये थोड़ा सा रिस्की लगा मुझे, लेकिन हम लोग आराम से बैठ गए केबल कार में। थोड़ा स्लो स्लो आराम आराम से चलती है और चारों तरफ का जो व्यू है वो देखिए आप, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी आपको नज़र आएगी। बहुत ही सुंदर लग रहा है। धूप थोड़ी सी तेज़ है, अगर वेदर थोड़ा सा अच्छा होता तो आई थिंक और भी ज़्यादा अच्छा लगता देखने के अंदर। यहाँ पे दीवू एकदम खुश है, मुझे लगा थोड़ी सी शायद डर जाए वो, बट वो बहुत इन्जॉय कर रही है। और यहाँ पे जो केबल कार के हैं वो 250 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लगी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप केबल कार ऑप्ट ना करें तो सिर्फ आपको एंट्री टिकट है वो 250 लगेगा और उसके बाद आप 22 स्टेयर्स भी आ सकते हैं जो कि 826 स्टेयर्स हैं टोटल। और यहाँ पे देखो ये हेलीपैड भी बना हुआ है। तो हमारे जो केबल कार है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बाकी जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए दूर से ही एक झलक है जटायु स्कल्पचर की। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट बर्ड स्कल्पचर है जो कि केरला के अंदर है। तो अगर आप आसपास आते हैं तो आप ज़रूर से आइएगा यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ आकर। और बस यहाँ पे ये हमारा रोप वे ख़त्म हो जाता है और ये थोड़ी सी 5-7 स्टेयर्स बनी हुई है। और ये देखिए आप, ये देखिए, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा भव्य, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ आकर। आई थिंक कोई भी कैमरा या फ़ोन इसको जस्टिस कर ही नहीं सकता क्योंकि एक्चुअली में जब आप रियल में देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये जो स्क्रप्चर है ये डेडिकेटेड है वुमेन सेफ्टी एंड ऑनर के लिए, क्योंकि जटायु जो है वो रामायण की जो कथा है उसका एक पात्र है। तो जब रावण सीता माता को लेके जाता है तब जटायु रावण से युद्ध करता है और सीता माता को बचाने के लिए, लेकिन रावण उन्हें हरा देता है, उनका एक पंख भी तोड़ देता है और वो इस वजह से नीचे गिर जाते हैं। तो बोला जाता है कि यही वो जगह है जहाँ जटायु गिरे थे। और लेकिन वो अपनी सांस नहीं छोड़ते हैं जब तक कि श्री राम यहाँ पे नहीं आ जाते। श्री राम को सीता माता के बारे में बताकर ही राम जी उन्हें यहाँ पे मोक्ष देते हैं। तो ये जो स्क्रप्चर है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही पंख है, दोनों पंख नहीं है। तो ये स्क्रप्चर बनाने का जो थॉट प्रोसेस है, जो स्टोरी है बिहाइंड, ये बहुत ही थॉटफुल है, बहुत ही अच्छी है। ये देखिए, और यहाँ पे पीछे की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह का छोटा ये कैफेटेरिया भी बना हुआ है जहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, चाय कॉफ़ी, अभी गर्मी है तो नींबू पानी, बिस्किट, छोटा मोटा स्नैक्स जो है वो यहाँ पे रहता है। और अब हम पीछे की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे बीच बीच में सिटिंग का भी बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही पंख है इनका, दोनों पंख नहीं है। और चारों तरफ आप देखिए आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी और काफ़ी सुंदर ये बनाया हुआ है, काफ़ी सुंदर, बहुत बड़े एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। और यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे अभी जब जा रहे हैं वहाँ पे श्री राम का भी मंदिर बनाया हुआ है।
व्यू बहुत अच्छा है, काफ़ी गर्मी है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर उस टाइम पर। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह की एक छोटी सी शॉप भी है जहाँ पे बुक्स वगैरह ये सब मिल सकते हैं। व्यू देखिए आप टॉप से, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे श्री राम का जो मंदिर है अब हम वहाँ जा रहे हैं, और उसी के साथ में यहाँ पे श्री राम का एक पैर भी है जो रियल पैर बोला जाता है। जब उन्होंने जटायु जी को मोक्ष दिया था तो वो एक पैर का निशान यहाँ पर है। और यहाँ पे बहुत सारे मंकी भी हैं जो कि बहुत ही बदमाश थे। और टॉप से आप ये व्यू देखिए, कितना सुंदर व्यू लग रहा है। ये सिटी कितनी अच्छी लग रही है, यहाँ से चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी मंदिर के अंदर आरती चल रही है, कुछ 11:30-12 का टाइम हो गया था, तो भोग प्रसाद की कुछ आरती चल रही थी, तो हम लोगों ने आरती का भी मज़ा ले लिया यहाँ पर। यहाँ पर श्री राम जी की एक बड़ी सी तस्वीर बनी हुई है, बस वहाँ दर्शन किए। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे राम जी के रियल फुट स्टेप, बोलते हैं कि ये एक फुट स्टेप, उन्होंने एक पैर पे खड़े होके जटायु को मोक्ष दिया था। तो ये देखिए पैरों की आप साइज़ देखिए, इतनी बड़े पैरों की साइज़ है ये। और बस वहाँ हमने दर्शन किए, उसके बाद में ये देखिए उस तरह का ये ऑडिटोरियम भी बना हुआ है, ओपन थिएटर टाइप का कुछ। तो यहाँ पे और भी अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बन रही है, बट अभी सब वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर है, तो मे बी आने वाले कुछ टाइम में ये सारी चीज़ें अच्छे से बन जाएगी। तो बहुत ही सुंदर जगह है, वर्थ विज़िट है। अगर आप यहाँ आते हैं इस तरफ तो आप ज़रूर से आइए, यहाँ पर देखने लायक जगह है। और यहाँ पे काफ़ी सारी और भी एक्टिविटीज़ है, तो आपका पूरा दिन बहुत आराम से यहाँ निकल जाएगा। अब बस रोपवे की हेल्प से हम वापस नीचे आ गए। और जैसे ही आप नीचे आते हो ये देखिए बच्चों के लिए पूरा ये गेमिंग जोन बना हुआ है, काफ़ी सारे यहाँ पे प्ले एक्टिविटीज़ है। खाने को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जैसे आइसक्रीम, पॉपकॉर्न हो गया, कोल्ड ड्रिंक थी, मैगी, समोसे, तो ऐसे छोटा मोटा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगी खाने पीने के लिए नीचे उतरने के बाद में। तो ओवरऑल अच्छा था, काफ़ी सारे यहाँ पे ये गेमिंग पॉइंट इस तरह के चीज़ें बनी हुई थी, तो अगर आप नीचे आने के बाद भी थोड़ी देर इन्जॉय करना चाहते हैं बच्चे लोग वगैरह, तो आराम से आप यहाँ पे भी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और दीवू ने यहाँ पे ये थोड़े बहुत गेम्स खेले, क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है उनको खुश रखना भी। और बस उसके बाद में हम लोग वापस नीचे आ गए हैं, बहुत अच्छा ट्रिप रहा था। और यहाँ से अब हम लोग वापस जा रहे हैं डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पे ही, क्योंकि आज ही हमारी वापस ट्रेन है बैंगलोर के लिए। बहुत मज़ा आया हम लोगों को, आई होप आप लोगों को भी ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो आप ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।